नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आंदोलन के कोक से उपजी आम आदमी पार्टी दो राज्यों में सत्ताधारी दल होने के साथ साथ अब पूरे देश में पसर रही है। राष्ट्रीय दल का खिताब उसको मिल गया है। तीन राज्यों में चुनाव होना है इसी वर्ष नवंबर दिसंबर में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। स्वाभाविक है, पिछले चुनाव में आपने अपनी तरफ से कोशिश की थी, इस बार भी उनका कोशिश करना लाजमी है। और ये पता चला है कि आम आदमी पार्टी 2 जुलाई को बिलासपुर में महारैली करने जा रही है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। और इस पूरे कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने के लिए, लोगों को उस महारैली में बुलाने के लिए, उनको आमंत्रित करने के लिए, इस पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी, आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के बुढ़ारी से सर्वाधिक वोटों से चुनाव जीतने वाले संजीव झा जी प्रवास पर हैं। स्वागत है संजीव जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप छत्तीसगढ़ भ्रमण पर हैं, कैसा प्रसाद मिल रहा है आपकी पार्टी को? देखिए, एक अच्छी बात यह है कि जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं, लोग आम आदमी पार्टी को जानते हैं। आम आदमी पार्टी का जो विकास का मॉडल है उसके बारे में जानकारी है, और जनता कमोबेश दोनों पार्टियों से ठगा हुआ महसूस कर रही है। चूंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी को देखा, 5 साल अब कांग्रेस को देखा, तो लोग भी चाहते हैं कि एक विकल्प मिले। और आम आदमी पार्टी को इसलिए पसंद करते हैं कि चूंकि आम आदमी साहब ने कहा कि दिल्ली में सरकार है हमारी, पंजाब में सरकार है हमारी, तो जो डिलीवरी दिल्ली में मिली है जनता को, जो पंजाब में मिल रही है, तो लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ में मिलना चाहिए। तो जब हमारे साथी बात करते हैं, कल ही अपने मैं कोरबा में साथियों से बात कर रहा था, तो कह रहे थे रैली के लिए हम गांव-गांव मीटिंग कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं। तो कहा, जब मैं किसी कई गांव में गया, देखा कि लोग अपने आप मीटिंग कर रहे हैं, हम नहीं जान रहे हैं उनको। लोग कह रहे हैं इस बार आम आदमी पार्टी के साथ जाना है। तो हमारे जीत का राज भी यही है। अब जो दिल्ली हो या पंजाब, आप जो हिस्टोरिक मैंडेट देख रहे हैं, मैंडेट केवल इसलिए कि लोगों ने अपने आप इनिशिएटिव लिया, और जब लोग इनिशिएटिव लेते हैं तो इस तरह का परिणाम आता है। तो मुझे लगता है कि वो सुरबुगाहट मुझे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि नवंबर का चुनाव छत्तीसगढ़ में सभी पॉलिटिकल पंडित को सरप्राइज करेगी। संजीव जी, आप लोग पूरी ताकत से गुजरात में भी लड़े, गोवा में भी लड़े, कुछ और राज्यों में भी, लेकिन जैसा परिणाम दिल्ली और पंजाब का रहा, उस तरह का परिणाम या उसके नज़दीक भी आप लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो आप यहाँ कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आपको बड़ी ताकत मिल जाएगी? देखिए, अलग अलग राज्य की अलग अलग अपने तरह की पॉलिटिकल सरकमस्टांसेज या सिचुएशंस हैं। आप गुजरात की बात कर रहे थे, जब गुजरात में हम लोग गए तो लोगों ने कहा कि यहाँ तो दीवार में सर मारने के बराबर है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट मुद्दा ही नहीं है। यहाँ तो कम्युनल कर करके, पोलराइज करके वोट लिया जाता है, रिलीजन के नाम पर वोट पड़ता है, यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई वोट का आधार बेस नहीं है, ना कोई जाति वोट का बेस है, ना धर्म वेद का बेस है हमारे वोट का। लोग डेवलपमेंट के नाम पर वोट करते हैं, का यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कोई चर्चा होती नहीं है, तो आप कैसे जीत पाओगे पूरे गुजरात में? लेकिन जब हम प्रचार करने गए तो लोग हमारे डेवलपमेंट के मॉडल की चर्चा कर रहे थे, और जहाँ लोग कहते हैं दीवार में आप सर मार रहे हैं, वहाँ 14% वोट मिल जाना, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से आतंक है, लोगों को डरा रहे हैं, वहाँ के लोग अगर वोट करते भी हैं तो बोल नहीं पाते, बोलते नहीं कि हम वोट कर रहे हैं, वहाँ अगर 42 लाख वोट मिले तो मैं मानता हूँ कि हमारी जीत है। गोवा में भी 5 विधायक हमारे हैं, गुजरात में भी, गोवा में हमारे 2 विधायक हैं। हाँ, पर मुझे ये लगता है कि गोवा में हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तो गोवा से हमने बहुत सारे रिलेशन लिया हम लोगों ने, और मुझे ये लगता है कि आगे अब देखेंगे पंजाब, गुजरात में भी, गोवा में भी कुछ सरप्राइज करने वाले परिणाम आपको देखने को आएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की जहाँ तक बात करें, तो छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक स्थिति है वो गुजरात से अलग है। अलग इसलिए है कि यहाँ दोनों संभावनाएं ज्यादा हैं, आपको लगता है संभावनाएं ज्यादा हैं, क्योंकि दोनों पार्टी आपने राज्यसभा सदस्य भी छत्तीसगढ़ से भेजा? देखिए, हालांकि उनकी कैपेबिलिटी है, हम राज्यसभा सदस्य छत्तीसगढ़ से आते हैं वो एक कारण है, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। वो विदेश से पढ़कर आए, दिल्ली में आईटी प्रोफेसर थे, सब कुछ छोड़ करके फिर आम आदमी पार्टी की पूरे कैंपेन की जिम्मेदारी पंजाब की ली, गुजरात की ली, गोवा की ली, सकारात्मक परिणाम आए, एक अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, संदीप पाठक की जी की भी खुद की कैपेबिलिटी और छत्तीसगढ़ की भूमि से आते हैं, ये दूसरा कारण हो सकता है, लेकिन पहला कारण कैपेबिलिटी उनकी है। तो हम ये मानते हैं छत्तीसगढ़ की जब बात करें, तो छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियों को लोगों ने देखा,
और छत्तीसगढ़ के लोग मुझे लगता है कि बाकी जगह के तुलना करें तो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट को एक मुद्दा मानते हैं। तो जहां जहां लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी हमारा काम करे, विकास का काम करे, उसके नाम पे वोट करेंगे, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ पोलराइज नहीं कर सकते आप। हालांकि भारतीय जनता पार्टी खूब कोशिश कर रही है कि धर्मों के नाम पर बातें, कमोबेश कांग्रेस उस लाइन पर चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है मुद्दा यहाँ का विकास है, मुद्दा यहाँ का लोगों की हॉस्पिटल्स हैं, लोगों के स्कूल्स हैं, लोगों के रोजगार हैं। तो जहां जहां डेवलपमेंट मुद्दा बनेगा वहां वहां आप आम आदमी पार्टी देखेंगे इतिहास रचेगी। दोनों पार्टियां राम को लेकर के कूद रही हैं, भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही राम के नाम की माला जपती रही, भूपेश बघेल जी ने भी राम पदगमन और कुछ दिन पहले रायगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम कराए, और दूसरे भी उनके नेता राम को लेकर के खूब आगे बढ़ करके अभी कूद रहे हैं कह लिया जाए। तो इनके इस धर्म के का जो एक वातावरण बनाया है लोगों ने, उसकी काट आप लोगों के पास क्या? हाँ देखिए, विकास भगवान राम का नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भगवान राम का नाम लेकर के पीछे से धोखा मत दीजिए। राम राज्य की परिकल्पना होनी चाहिए। तो अगर आप भगवान राम को मैं मानता हूँ, लोग कहते हैं कि राम राज्य आ गया, मतलब क्या? सुख संपत्ति समृद्धि बढ़ रही है। तो जिस दिन छत्तीसगढ़ की सुख संपत्ति समृद्धि, लोगों को रोजगार मिल जाएंगे, स्कूल अच्छे हो जाएंगे, अस्पताल अच्छे हो जाएंगे, और तब आप भगवान राम के नाम पर लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग आपको मानेंगे। इससे भगवान राम भी नाराज होंगे कि वो चाहते हैं कि धरती पर सुख संपत्ति समृद्धि बढ़े और आप उनके नाम लेकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी का एक अपना एक गवर्नेंस का मॉडल है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम करके एक मॉडल बनाया जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वो तमाम चीजें, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाया। पंजाब के लोगों ने फिर उसकी मोहर लगाई। पंजाबी मोहल्ला क्लिनिक देखिए, एक साल में 1000 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। एक साल में अभी तक 250 स्कूल्स को हमने रिनोवेट किया, बनाया और बनाते जा रहे हैं। वहां पर हमने 30,000 जो कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी थे उनको हमने नियमित कर दिया। तो काम से हम भगवान राम की जो रामराज की परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को मूर्त रूप देने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है वो जरूरत छत्तीसगढ़ को भी है कि छत्तीसगढ़ में अच्छे स्कूल बने, अच्छे हॉस्पिटल्स बने, अच्छे प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने, लोगों को रोजगार मिले, किसान ठीक से किसानी कर पाए। देखिए भूपेश बघेल जी खूब कहते हैं कि हमने किसानों को इंसेंटिव दिया, हमने नरवा गरवा बिया बनाया, लोग करोड़पति हो गए। एक भी आदमी मुझे गोबर बेचे करोड़पति हो गया था तो दिखा नहीं मुझे, या कोई रोजगार इसको मानता है था मुझे दिखा नहीं। धर्म का आवरण आप नहीं लेंगे, आवरण नहीं चढ़ाएंगे, विशेष रूप से विकास की बात करेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि लोगों की डेवलपमेंट की जरूरत है, लोगों को अच्छी चीजों की जरूरत है। देखिए धर्म आपकी जरूरत पड़ेगी ये बात तो आप कह सकते हैं, आप चूंकि प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, आप ये कह सकते हैं कि अगर राम के ननिहाल में मैं आया हूँ तो मैं सीता जी के गाँव पर रहने वाला हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिये मैं माँ सीते वैदेही उनको कहते हैं, माँ जानकी उनको कहते हैं, मैं मिथिला से आता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारा तो ज्यादा अधिकार है उनपे। पूरे भारत में, पूरे विश्व में मिथिला ही एक जगह है जहाँ अधिकार से भगवान राम को गाली दी जाती है। तो मुझे ये लगता है कि हमारा तो रिश्ता है भगवान राम से, माँ सीते से। तो मुझे लगता है कि मतलब कुल मिला के राम को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, उनको सियासत में नहीं खींचना चाहिए। आराध्य है, सत्य आराध्य है, पूज्य है। देखिए मुझे कई बार चिंता होती है कि जिस तरह से ये लोग भगवान राम का नाम अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए, अपनी फायदे के लिए ले रहे हैं, वो ठीक नहीं है। कई बार तो मैं देखता हूँ कि इस तरह से जय श्री राम लोग कहता हाथ आगे करके कि डरा तो नहीं रहे हैं। हमारे भगवान राम डराने वाले नहीं हैं। हमारे भगवान राम हमेशा विश्व कल्याण की बात करने वाले हैं। हमारे भगवान राम सबकी भलाई की बात करने वाले हैं। हमारे भगवान राम हर एक अंतिम व्यक्ति को कैसे फायदा हो उसकी बात करने वाले हैं। हमारे भगवान राम शबरी के झूठे बैर खाने वाले व्यक्ति हैं। हमारे भगवान राम केवट को उनके आग्रह को स्वीकार करने वाले लोग। हमारे भगवान राम कभी कोई जाति धर्म के नाम पर बांटने वाले तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब आप इस भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम जब इस तरह की नीच काम के लिए आप लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो हमारे सनातन धर्म के लिए जो भगवान राम में आस्था रखते हैं उनके लिए ठीक नहीं है। जी जी। अब यहाँ छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर आपने गरबा गुरुआ जो भूपेश बघेल की सरकार ने बहुत जिसको महत्व दिया, खूब उसकी चर्चा होती कि हमने छत्तीसगढ़ को मूल रूप देने की कोशिश की और यहाँ के किसानों का डेवलपमेंट करने की कोशिश की, उसको लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं।
आपकी नजर में यहाँ कौन सा मुद्दा हो? एक मुद्दा यहाँ बहुत चलता है, शराब वाला मामला, कि आपने तो गाय की पूंछ पकड़ के गंगा जल हाथ में लेकर के कसम खाया था, आपके घोषणा पत्र में था, आप शराबबंदी नहीं कर पाए, बल्कि शराब के मामले को लेकर कुछ लोग अंदर भी हैं। और देखिए, मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी ने 36 वादे यहाँ की जनता से की थी, आधे से ज्यादा वादा तो उनके अभी तक वो खोल के नहीं देखे होंगे, वैसे भी पड़ा हुआ, जो भी वादा पे काम भी किया वो आधे अधूरे काम किए। अब सबसे बड़ा अपने अचीवमेंट ये बताते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ के किसानों का भला किया। हमने उन्होंने कहा कि हमने इंसेंटिव दिया, हमने इंसेंटिव दी, बोनस दिया, हमने हमने नरवा गुरवा के जरिए लोगों को रोजगार दिया हमने। अब देखिए, मैं पूरे छत्तीसगढ़ घूमा हूँ, आधा से ज्यादा नरवा गुरवा केवल पेपर में है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और जहाँ इम्प्लीमेंट हुआ वहाँ भी लोग परेशान है। किसान से बात कर रहा हूँ, कहता हूँ जबरदस्ती कंपोस्ट ले रहे हैं, हम नहीं लेना चाहते हैं, वो कंपोस्ट हमारे काम का भी नहीं है, और लेकिन वो ट्रैकोनियन लॉ है, आपको लेना ही पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात, इंसेंटिव कहते हैं हम 15 क्विंटल धान से इंसेंटिव देंगे हम, तो लोग कहते हैं, कोई कहते हैं 25 क्विंटल, कोई कहता है 22 क्विंटल, कोई कहता है 28 क्विंटल, अलग अलग जगह पे अलग अलग उपज है, तो फिर बाकी जगह जो है उनको जाकर के बेचना पड़ता है उसी सेकेंडरी मार्केट में, जो अब तो वो फिर 1200-1500 बेचना पड़ता है। अब इन्होंने वादा किया है कि हम 20 क्विंटल देंगे, तो ये पहले ही सोच लेना चाहिए था। तो और एक बात, दूसरी बात, प्रॉब्लम क्या है कि आप देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ का कर्जा बढ़ रहा है जी। सामने दो मॉडल, एक दिल्ली का मॉडल, दिल्ली जब हम आए थे तो दिल्ली घाटे का बजट था, घाटे की सरकार थी, आज दिल्ली एकमात्र पूरे देश में सरप्लस स्टेट है, यानी फायदे का सरकार है, और दूसरा हम सबसे ज्यादा अंतिम व्यक्ति को फायदा दे रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब वो चारवाक कहते थे, यावत जीवम सुखी जीवम ऋण कृत्वा कृतम भेद वाली बातें हैं, कि अगर आप ये कर्जा ले ले करके अगर बीपीए के समझ तो उससे तो फट जाएगा ना ये, तो फिर तो आप छत्तीसगढ़ कोलैप्स करना चाह रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, वित्तीय प्रबंधन क्या है आपका, आपको दिल्ली से सीखना चाहिए, अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए कि अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं तो कर्जा लेकर के नहीं, वित्तीय ठीक से प्रबंधन करके आप दीजिए। तो मुझे लगता है कि हर मोर्चे पर फेल रहे हैं। शराब की बात आपने की, अवैध शराब का कारोबार पूरे छत्तीसगढ़ में पैरेलल एक व्यापार है, और इससे नुकसान क्या हो रहा है कि लोग मर रहे हैं, सरकार की रेवेन्यू भी नहीं आ रही है, फिर बहुत रेवेन्यू आ जाए। तो मुझे ये लगता है कि भूपेश बघेल जी हर मोर्चे पर फेल हुए हैं, हर मोर्चे पर लोगों का धोखा दिया, और तभी मैंने कहा कि लोग नए विकल्प की तलाश में। स्वाभाविक ये बात, जब आप लोग शराब की उठाएंगे तो आपके ऊपर प्रहार वो भी करेंगे कि तो आप क्या, तो मुख्यमंत्री जी उसी मामले में जेल चले गए हैं। देखिए, भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो भी आपके ऊपर आरोप लगाएगी क्या? बिल्कुल आरोप लगना चाहिए, बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, और हम उसको कुछ ठोस जवाब भी दे रहे हैं। देखिए, आज एक तो जो पूरे एक्साइज पॉलिसी थी, उस पॉलिसी पे रिसर्च करना चाहिए था। हमारी पॉलिसी इसलिए थी कि अवैध शराब का व्यापार कैसे रुके, क्योंकि इलीगल शराब का ट्रांजेक्शन कैसे रुके, वो पूरी तरह से रेगुलराइज हो जाए, और सरकार का रेवेन्यू पर भी लीक नहीं हो, दोनों हमारी कोशिश थी। हमने कोई वहाँ शराब का दुकान नहीं बढ़ाया, हमने बल्कि कमी किया, 950 दुकान था और हम लोग जब आए थे 550 दुकान रहे, तो दुकान की संख्या कम हुई थी। एक बात, दूसरी बात कि देखिए, उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार हुआ वहाँ पे, और मनीष हमारे डिप्टी सीएम अभी जेल के अंदर, कुछ अधिकारी को भी अंदर किया गया, लेकिन अभी तक 1 रुपये का करप्शन, समझिए प्रधानमंत्री जी ने अपने 800 ऑफिसर्स लगा के 500 जगह छापा मार करके 9 महीने में 1 अठन्नी का करप्शन साबित नहीं कर पाए, चार्जशीट में 1 अठन्नी करप्शन नहीं है, कि करप्शन क्या है। तो मुझे ये लगता है कि चूंकि बात भ्रष्टाचार की जांच की दिल्ली में नहीं है, कोई भ्रष्टाचार से प्रधानमंत्री जी को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, वो ये चाहते हैं कि ये जो एक नई राजनीति शुरू हुई है, शिक्षा की राजनीति, स्वास्थ्य की राजनीति, अब देखिए ना, गुजरात में हम चुनाव लड़ रहे थे, 29 साल के बाद प्रधानमंत्री को अगर कोटा के मेडिकल स्कूल में जाकर बैठकर कहना पड़े कि हम भी स्मार्ट क्लास बनाएंगे, तो समझिए कि उनको कितनी दिक्कत, कितनी पीड़ा हो रही है आम आदमी पार्टी से। तो वो चुनौतियां हैं, वो चाहते हैं कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसरी, ना आम आदमी पार्टी रहेगी, ना शिक्षा की बात होगी, ना स्वास्थ्य की बात होगी, ना उपचार की बात होगी, तो वो दूसरा मुद्दा है, वो खत्म करना चाह रहे हैं। अभी आप लोगों ने तय किया है कि घोषणा पत्र क्या होगा, उसमें प्रमुख बातें क्या होगी, जिसको लेकर के अभी महारैली में अरविंद जी, भगवान जी अपनी तरफ से कुछ बात लोग। देखिए, घोषणा पत्र तो हम लोग देखिए कुछ ऐसा होता है शुरू में कुछ हवा हवाई में तो बात नहीं करते, उसके लिए पूरी टीम रिसर्च कर रही है। जो मैंने कहा सब वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा, क्या हमको देना चाहिए, क्या जरूरत है छत्तीसगढ़ की जनता को, लेकिन कमोबेश जो हमारा मॉडल है कि
हर जगह मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए, हॉस्पिटल्स होना चाहिए, अच्छे स्कूल्स की व्यवस्था होनी चाहिए, हम 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1,000 रुपये देते हैं सो दैट की अपने जीवन में वो जो दैनिक जीवन की काम है वो ठीक से कर पाए। हम महिला बसों में यात्रा मुक्त, यहाँ तो बस ही नहीं है तो यात्रा मुक्त की बात नहीं है, तो पहले तो ट्रांसपोर्ट ठीक करना पड़ेगा, स्टे का ट्रांसपोर्ट लाना पड़ेगा, फिर उसको व्यवस्था करनी पड़ेगी। पेंशन 2500 रुपये हम दे रहे हैं। किसान देखिए, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा था, मुझे लगता है कि कृषि जो है ये व्यापार हो सकता है। आज किसी भी व्यक्ति से बड़े किसान से पूछ लीजिए कि क्या काम है, तो कहता कि ये हमारा फलाना हार्डवेयर का दुकान है और किसानी करते हैं। किसान किसानी रोजगार नहीं मान रहा है वो, तो किसानी रोजगार हो, किसानी से उसकी समृद्धि बढ़े, किसानी करके उसके बच्चे आगे बढ़ पाए, उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अगर आप इंसेंटिव देते हैं तो खाली धान पे क्यों देते हैं, बाकी फसलों पर क्यों नहीं देते, तो बाकी फसल उगाने वाला किसान फिर कैसे अपना जीविका उपार्जन करेगा और फिर बाकी फसल बढ़ेगा कैसे, कि एक ही फसल तो चाहोगी नहीं। तो आपको पूरे साइंटिफिक तरीके से, पंजाब में कर रहे हैं हम, पूरे साइंटिफिक तरीके से आपको यहाँ की एग्रीकल्चर सिस्टम को देख करके कैसे किसान के लिए व्यापार बन पाए उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो हम काम करने काम करेंगे। और भी बहुत सारे, आज देखिए आप ट्राइबल एरिया में जाइए, आज जो उनकी ट्राइबल जो रोजगार था वो खत्म सा हो गया, बिचौलिया उसमें आ गया और वो बिचौलिया आकर के सामान लेता और फिर मार्केट में बेचता। क्यों नहीं वो तेंदू पत्ता हो या जो भी उनके वन उपज है, जो भी वन उपज है वो वन उपज डायरेक्टली क्यों नहीं मार्केट में आ सकता, सरकार व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर हम जनता के सामने अपने मैनिफेस्टो को, अपने घोषणा पत्र को रखें। चलिए संजीव जी, आप चूंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है अपनी पार्टी की, अभी एक बात चल रही है महागठबंधन की, जो कुछ पटना में हुआ पिछले दिनों उस पर बात कही जा रही है, अरविंद जी ने बात कही कि अध्यादेश के विरुद्ध अगर कांग्रेस हमारा साथ देगी तब तो हम उसके साथ रहेंगे, इसको लेकर के अजय माकन जी वगैरह का भी बहुत सारा बयान आ रहा है। वो तो चाहते हैं कि आपका किसी तरह का समझौता ना हो क्योंकि उनको तो अपना प्रदेश दिख रहा है, दिल्ली दिख रहा है, उनकी अपनी राजनीति है। लेकिन पूरे गठबंधन पर जो प्रश्न चिन्ह लग गया, अब आरोप लगने लगा कि केजरीवाल जी भाजपा से मिल गए हैं, ये सारी बातें जो होने लगी हैं, गठबंधन का भविष्य कहीं दिख रहा है आपको? देखिए मुझे ये लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव पार्टी मुझे लगता है कि एक दूसरे की महत्वाकांक्षा से बड़ा चुनाव है। और जब मैं कहता हूँ कि ये पार्टी और हर पार्टी के अपने जो महत्वाकांक्षा है उससे ऊपर का चुनाव, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए इस 5 साल में आप प्रधान नरेंद्र मोदी जी कार्यकाल को देखेंगे तो उनकी पूरी कोशिश की विपक्ष रहे ही नहीं। अगर जनता ने विपक्ष को चुन लिया तो या तो पहले कनपट्टी बंदूक रखते हैं कि तुम भ्रष्टाचार का पहले एक चिट्ठी भेजते हैं या फिर कहते हैं तुम हमारे पास आ जाओ और नहीं तुमको जेल में भेज देंगे, या अगर उससे नहीं मानता है तो फिर खरीद प्रोत होती है, जो महाराष्ट्र आपके सामने उदाहरण है, गोवा आपके सामने उदाहरण है, मध्य प्रदेश आपके सामने उदाहरण है, और उससे भी अगर बात नहीं बनती है तो आप उस सरकार को खत्म कर दो जो दिल्ली में किया। अब देखिए दिल्ली की जनता ने लगातार 3 बार आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया, 2 बार 90% से ज्यादा सीट दिल्ली की जनता ने दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो अगर दिल्ली की जनता ने हमें चुना तो हमें काम करना चाहिए, हमें काम करने का मौका देना चाहिए। लेकिन 2015 में पहले एक इलीगल नोटिस के लिए सारे पावर छीनने की कोशिश करी, हम कोर्ट गए, 8 साल तक लड़ते रहे, 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला किया कि दिल्ली सरकार के क्या अधिकार हैं और केंद्र के क्या अधिकार हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया मुझे काम करने देना चाहिए था, लेकिन एक गलत अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी अपमान किया संवैधानिक पीठ का। कांग्रेस आपके इस दर्द को क्यों नहीं महसूस कर रही है? मैं उसी पे आ रहा हूं। तो अब देखिए कि एक ऐसा ऑर्डिनेंस जिससे संविधान का, इस देश के संघवाद का, इस देश के जनतंत्र का हत्या हो रही है, तो अगर हम इस पे साथ नहीं होंगे, और ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, अगर कोई ये गलत फहमी पाल ले कि नहीं दिल्ली यूनाइटेड दिल्ली में आ सकता है, इस तरह का अध्यादेश कहीं भी ला सकते हैं भाई, कंकरेंट लिस्ट तो संवर्ती सूचना के अंदर सब्जेक्ट है ना, उस पर अध्यादेश लेके आ जाएंगे, सभी सरकार के अधिकार छीन लिया जाएगा। तो हमें ये लगता है कि हम सबको इसलिए इकट्ठा होना चाहिए, इसलिए नहीं इकट्ठा होना चाहिए किसी व्यक्ति को आना है, इसलिए इकट्ठा होना चाहिए कि इस देश के जनतंत्र को बचाना है, इसलिए इकट्ठा होना चाहिए कि इस देश के संविधान को बचाना है, जनतांत्रिक व्यवस्था को बचाना है। और 2014 में जितने वादे हुए, महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, ये तमाम बात 10 साल में पूरा नहीं हुआ। अब इस देश में नफरत बांटा जा रहा है, धर्मों के नाम पर बांटा जा रहा है, तो उससे भी देश को बचाना है। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे
अगर सब इकट्ठा होंगे तभी आगे पोजीशन बढ़ेगी। अगर आपका इंटेंट क्लियर नहीं होगा हम इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, तब तक आपके रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस आपका साथ देने को राजी नहीं है। अभी उनको ताकत मिल गई कर्नाटक से, हिमाचल से, तो उनको लग रहा है कि अब हम फिर से वापस आ रहे हैं, तो हम क्यों इनके साथ गठबंधन करें या इनकी अध्यादेश पे इनके साथ हम खड़े हो, क्योंकि दिल्ली के उनके नेता नाराज हो जाएंगे, दूसरी जगह पे उनके ऊपर असर पड़ेगा। तो अपनी देख रहे हैं, आप अपनी देख रहे हैं, तो ऐसे में गठबंधन कहाँ काम। मुश्किल ये हो रहा है कि देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बात सत्ता की है ही नहीं, बात जीत हार की है ही नहीं। इस देश में जनतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तो चुनाव होंगे और जीत और हार होगा। मुझे ये लगता है कि अगर कांग्रेस उस बात को नहीं समझ पा रही है कि आज सबसे ज्यादा जरूरत इस देश के संवाद को, जनतांत्रिक व्यवस्था को बचाना है, तो मुझे ये लगता है कि फिर बहुत बड़ी भूल हो रही है। हम इसलिए इकट्ठा होने नहीं जा रहे हैं कि चलो एक व्यक्ति को खराब सत्ता हमारे पास आ जाए, हम इसलिए मतलब आप जनतंत्र को बचाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी को बचाना चाहती है। हाँ, उसको लगता है, अगर उनको लगता है कि हमारी महत्वाकांक्षा ज्यादा बड़ा है इस देश के संविधान से, तो वो उनको निर्णय करना है। लेकिन देखिए, इस देश का संविधान या जनतांत्रिक व्यवस्था, जनतांत्रिक मूल बहुत बड़े संघर्षों के बाद मिला है, और हम तो आंदोलन से आए हुए लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई संविधान पर, अगर कोई जनतांत्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो हम शांत नहीं बैठेंगे, हम लड़ते रहेंगे। अगर अकेले लड़ना पड़ेगा अकेले लड़ेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि सभी अपोजिशन पार्टियों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मिले, सबने अपनी एक सहमति दी कि हम इस अध्यादेश के खिलाफ हैं। कांग्रेस क्यों नहीं बोल पा रही, समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस से बात करनी चाहिए, या केवल अपने आप को इस देश से कोई मतलब नहीं है, इस देश की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, इस देश की जो चुनौतियां उससे मतलब नहीं है, केवल आपको सत्ता चाहिए, तो फिर हम उस होर में नहीं जाना चाहते। संजीव जी, एक बड़ा पुराना गाना था ना, तुम्हें से मोहब्बत तुम्हें से लड़ाई, तो आज की तारीख में लगता नहीं आपको कि विपक्ष का अभी यही से ही रोल है कि कहीं प्रेम है तो कहीं तलाक है तो कहीं फिर संधि करने की कोशिश है। इस बीच में, इस संघर्ष के बीच में कहीं ना कहीं फिर वो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अपना रास्ता क्लियर कर ले जाएंगे। देखिए, एक बात तो सच है कि अगर अलग अलग पार्टी क्यों बनी, क्योंकि वैचारिक भिन्नता थी, वैचारिक असहमति से पार्टी बनी, और वैचारिक असहमति का जनतंत्र में जगह है, जनतंत्र में पक्ष है और विपक्ष है, और ये जनतंत्र में आप आपस में सहमति से काम को चलाते हैं, और इसीलिए भारत का जनतंत्र मजबूत भी बहुत है, ये परंपरा ही है हमारा। तो असहमति से हमें कोई किसी तरह का भेद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने कहा कि अब ये लड़ाई हमारी अपनी असहमति या वैचारिक भिन्नता से ऊपर की लड़ाई है, कि पहले हम इस देश के, जो मैंने पहले कहा, कि जनतंत्र को बचा लें, संविधान को बचा लें, फिर असहमति करेंगे ना। लेकिन अगर कोई पार्टी इस बात को नहीं समझती है, तो फिर तय करना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़ा है, जनतंत्र की हत्या करने वालों के साथ या बचाने वालों के साथ, संविधान की हत्या करने वालों के साथ या बचाने वालों के साथ। संजीव जी, लोकसभा चुनाव से पहले तीन बड़े राज्यों में चुनाव होने, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, छोटा राज्य है लेकिन बड़ा मान लेते हैं, एक कद है इसका प्रदेश का, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यहाँ अगर आप लोग आपस में समझौता नहीं कर पाएंगे, तो लोकसभा चुनाव तो उसके 3-4 महीने बाद ही है, तो स्थिति कैसी बनती दिख रही है आपको, कि यहाँ दो ही पार्टियाँ हैं, तीसरी कोई एंट्री अभी तक ठीक ठाक नहीं मिल पाई है। ये जहाँ जहाँ हम जाते हैं ये हमें सुनना पड़ता है। दिल्ली में पहले दो ही पार्टी थी, तो लोगों ने कहा कि तीसरी कोई गुंजाइश नहीं है, तीसरी गुंजाइश हुई। पंजाब में थे पर पंजाब में हमने इतिहास रच दिया, कभी भी इस तरह का 54% वोट आज तक एज किसी को नहीं मिला था, वो आम आदमी पार्टी को सौभाग्य मिला, लोगों ने आशीर्वाद दिया। गुजरात में भी लोग कहते थे तीसरी पार्टी की कोई एंट्री नहीं है, हमने वहाँ भी अपनी जगह बनाई। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में लोग इस डिबेट को कह रहे हैं, पर देखिए बात पार्टी और पक्ष का है ही नहीं, आम आदमी पार्टी का जो विकास का मॉडल है उसकी जरूरत छत्तीसगढ़ को है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि ये चुनाव इस बार लोग अपने हक की, अपने अधिकार की को लेने की लिए लड़ेंगे। और जब ये हम कोई इसलिए चुनाव नहीं, हमारा संगठन बहुत बड़ा होता है, हम चुनाव इसलिए जीतते हैं कि लोगों को हम समझा पाते हैं कि जनतंत्र में आपके लिए जरूरी क्या है और आम आदमी पार्टी कैसे समाधान है। जहां लोग समझ जाते हैं मुद्दों पर इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से लगातार 5 साल में जनतंत्र का नुकसान पहुंचा रहा है नरेंद्र मोदी जी ने, उसको ठीक करने की लड़ाई है। मुझे लगता है स्टेट में चुनाव, ये तीनों राज्यों में चुनाव है, वो जनता को जो अधिकार, जो हक मिलना चाहिए उसको दिलाने की लड़ाई है।
हम ये तीनों जो राज्य हैं इन तीनों राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। मतलब कुल मिलाकर जो देश की जनता अब ये मान ली है कि विधानसभा में हमको किसको भेजना है, लोकसभा में किसको भेजना है, वो समझ रही है। बहुत परिणाम भी है दिल्ली में आप जीते, लेकिन लोकसभा की स्थिति कैसी रही सबको पता है। छत्तीसगढ़ में भी सरकार अच्छे बहुमत से कांग्रेस की आई, लेकिन लोकसभा में सीटें कम लगी उनकी। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। मतलब कुल मिला के विधानसभा से लोकसभा चुनाव को दोनों को अभी क्लब नहीं किया जा सकता, जोड़ा नहीं जा सकता, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में कोशिश होगी कि एक साथ लड़ें। दोनों का अलग अलग परिप्रेक्ष्य है। राज्य चुनाव के बिल्कुल ठीक है, अपने अलग परिप्रेक्ष्य हैं, केंद्र के चुनाव के अलग परिप्रेक्ष्य हैं। तो मुझे ये लगता है और जनता भी उसी तरह से वोट बिल्कुल आपने ठीक है। दिल्ली उदाहरण है, एक ही टाइम में उड़ीसा में चुनाव हो रहा था, केंद्र लोकसभा में लोग किसी और को वोट कर रहे थे और स्टेट में किसी और को वोट कर रहे थे। तो हमारे धीरे धीरे देश का जनतंत्र मैच्योर होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को भी समझना चाहिए, उसी तरह से अपने एजेंडे तय करना चाहिए। आखिर मैच्योर तो हो रही है जनता, हम लोग भी महसूस करते हैं, परिणाम उसको बताता है, लेकिन उस मैच्योरिटी में कहीं ना कहीं प्रलोभन भी आ गया है। हाँ बिल्कुल, ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जड़ों में मट्ठा डालने का काम करता है। ये आदमी अपने वो निर्णायक वोट जो है वो इधर से उधर हो जाते हैं, कहीं शराब में, कहीं बिछिया में, कहीं साड़ी में, कहीं पैसे में। मुझे ये लगता है कि देखिए, हालांकि शुरू हो गया है, बहुत नहीं लेकिन शुरू तो हो गया है। जहाँ जहाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें कोई ये सब बांटने की जरूरत पहले नहीं पड़ती है, या कुछ इस तरह का पैसे शराब इस तरह की राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन जीतने के बाद हम स्टेट से अंतिम व्यक्ति से फायदा कुछ उस पर हम काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों का जब ऑप्शन नहीं हो, चार लुटेरे ही आए और उन्हीं में से एक को चुनना है, तो लोग चुन लेते हैं कि चार शराबी एक को कम शराबी जो लगता है उसको चुन लेता है। लेकिन वहाँ कोई अगर ऐसा आदमी जिसके पास विजन है वो अगर आ जाए तो जनता उसके साथ खड़ी हो जाती है। तो उससे मुझे लगता है कि जनता से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टियाँ 75 साल में दुकान अपना बनाया है, मुझे लगता है उनकी दुकानदारी को ख़त्म करना चाहिए और अब अंतिम व्यक्ति का डेवलपमेंट कैसे होगा उस पर काम करने वाले लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। और मुझे लगता है तभी मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी का असीम संभावनाएं हैं। चलिए संजीव जी, आपको और भी कार्यक्रम में जाना है, इसलिए अंत में यही कि आप जिस मकसद को लेकर के छत्तीसगढ़ भ्रमण पे हैं उस मकसद में आपको कामयाबी मिले। और कामयाबी की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन कामयाबी इस बात के लिए कह रहा हूँ कि कामयाबी की बात कि जनतंत्र को मजबूत करने के लिए जो भी निकले, जिस भी दल से निकले, दल से नहीं है, बिना दल के भी है, तो उसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। और अगर आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ जन सेवा करने के लिए बाहर निकले हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपकी भी बातों को जनता को सिरोधार्य करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुमरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।